नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफी ज्यादा विशेष खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के समायोजन से संबंधित है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि 20 फरवरी को आपका कार्यक्रम रखा है, जिसकी तैयारियां भी काफी ज्यादा तेजी से चल रही है, जहाँ पर हाल ही के अंदर कुछ मुलाकात हुए हैं और उन मुलाकात के बाद कुछ आश्वासन भी आपको मिले हैं। क्या इफेक्ट है उनका आपके समायोजन को लेकर, सारी जानकारी वास्तविक रूप से आप सभी के साथ आगे वीडियो में साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आपके स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। दरअसल ये जो अपडेट है, ये आपके संगठन के ही द्वारा प्रोवाइड की गई है और आपके कार्यक्रम से संबंधित है, जहां पर अगर आप देखें कि 20/2/2023 को लखनऊ में आयोजित शिक्षा मित्र महासम्मेलन की तैयारी के संबंध में, जहां पर अगर आप इसे पढ़ें कि आज शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश से अभय कुमार सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, पुरुषोत्तम निषाद और आदर समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन से विश्वनाथ कुशवाहा जी, उमेश पांडे जी ने संयुक्त रूप से लखनऊ में होने वाले शिक्षा मित्र सम्मेलन की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कई मंत्रीगण माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, इसके बाद आप देख लें विजय लक्ष्मी गौतम जी, जहां पर इन सभी से एक मुलाकात की गई। फिर इसके बाद इनसे मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, जहां पर अगर आप देखें कि चूंकि 20 फरवरी में विधानसभा में बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए कई मंत्रीगण ने 2-3 दिन में अपनी उपस्थिति की सहमति प्रदान करने के लिए कहा है। जहां पर साथियों आप में से ज़्यादातर साथियों का प्रश्न ये होगा कि आखिर इससे लाभ क्या होने वाला है, क्योंकि अगर समायोजन होता है तो मेनली माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यानी कि सीएम जी को खुश करना जरूरी है। लेकिन साथियों इसका भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि अगर सरकार की तरफ से आपके कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, तो फिर आप ये मानकर चलें कि आप सभी का ही समर्थन वहाँ पर और भी ज़्यादा तेजी से होता है। फिलहाल आप सभी भी ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के प्रतिनिधि आपके कार्यक्रम में उपस्थित हों, जहाँ पर साथियों कैबिनेट मंत्री जी यानी कि कई मंत्रीगण, कई विधायक, सांसद, इसके बाद और सभी सदस्यगण भी यहां पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे, जहां पर हो सकता है कि आप सभी के समायोजन को लेकर किसी भी प्रकार की सरकार से घोषणाएं 20 फरवरी को देखने को मिले। फिलहाल जैसे ही अपडेट होती है आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।